नमस्कार सभी दर्शकों को। तो जे है मेरी हीफर हीट में, तो चेक कर लेंगे कि इसको कौन सा सीमन लगाना है। और इनका जो चार्ट वगैरह हमने पहले ऑलरेडी बनाया होता है हर एक गाय का, हर एक हीफर का, ताकि इनब्रीडिंग ना हो। कल रात को हीट में आ गई थी और सुबह इसको मैंने 250 ml रिसेप्टर लगाया है, नेचुरल हीट में है जे। और शाम को 8 बजे के करीब इसकी जो AI हम करेंगे। तो ये वीडियो मैं स्पेशल इसलिए बना रही हूँ कि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारी गाय की या हीफर्स की जो बच्चेदानी है वो कमज़ोर है और उसके लिए हम क्या करें। तो देखिए, ये जो मेरी दो हीफर हैं इसकी भी बच्चेदानी कमज़ोर है। इसको हमने 2 बार सेक्सी मन लगा दिया था, लेकिन ये दोबारा दोनों बार हीट में आ गई। तो तीसरी बार हमने इसको सीमन नहीं लगवाया। उस दिन हमारे जहां डॉक्टर साहब आए थे PDSA के, और उनसे हमने इनकी बच्चेदानी चेक करवाई, क्योंकि ये हमारी जो दोनों हीफर है बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही शानदार है और बॉडी कोट शाइन भी अच्छा है, लेकिन फिर भी इनकी जो बच्चेदानी है वो कमज़ोर है। तो इनकी बच्चेदानी की कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए, ताकि इसके बच्चेदानी के ऑर्गन्स बढ़िया डिवेलप हो जाएं जल्दी तो जल्दी, उस वास्ते हमने फिर इंजेक्शन लगाए थे। पहले भी मैंने इनको ये इंजेक्शन की 3-3 डोज दे दी हैं, और आज फिर मैं इसको जो ये इंजेक्शन है वो दे रही हूँ। तो ये इंजेक्शन कौन से है मैं बता देती हूँ आपको। ये इंजेक्शन है आयोडीन विटामिन AD3E, ठीक है जी। ए 5-5 ml लगवाना, इसको लगाना है हमने IM मतलब इंट्रामस्क्यूलर 5 ml लगाना है। और साथ में मैं ये यूज कर रही हूँ फास्फोर्स के लिए, ये लगाना है। हीफर है तो 15 ml लगाना है, अगर आपकी कौ है जिसकी बच्चेदानी कमजोर है तो 20 ml लगाना है। ये भी 5वें दिन पे, मतलब 5 दिन फिर छोड़ के फिर 5वें दिन। और इसके अलावा हमने ये लगाना है साथ में स्टीम वेट जिंक, जिसमें है चिलेटेड मिनरल, मल्टी मिनरल, जिंक, मैगनीज ते कॉपर। ये हमने 10 ml लगाना है अगर हीफर है तो, कौ को लगाना है 10 ml और हीफर है तो 7 ml। और ये सिर्फ 3 महीने में एक बार ही लगाया जाता है। तो ये इंजेक्शन जब हम अपनी गाय को लगा देते हैं, हीफर को लगा देते हैं, तो उससे जो हमारी गाय हीफर है उनकी जो बच्चेदानी, जिसकी डॉक्टर कमज़ोर बोलते हैं, तो बच्चेदानी है बिल्कुल डेवलप हो जाती है। गाय की कमज़ोरी बिल्कुल बच्चेदानी की ख़त्म हो जाती है और हमारी जो गाय है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये जो हीफर है, एक तो मैं इसको लगाऊंगी और एक मेरी गाय है उसको भी मैं लगाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये था डिमांड का वीडियो, और एक ये हीफर है मेरी, दो हीफर को लगाना है और एक गाय को। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और आगे वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि और भी किसान भाइयों और डेयरी फार्मर भाइयों का फायदा हो सके। पर को भी मैं लगा रही हूँ, जे फास्फोरस का है इंजेक्शन, और जे मिनरल विटामिन का है, और साथ में जे स्टिमवेट का है। और जे इंजेक्शन मैं लगा रही हूँ इनकी जो है कमजोर बच्चेदानी के लिए, और बाद में हम इनकी जो AI कर देंगे। तो ये तकरीबन हमने 5 डोज लगानी है 5 दिन के बाद, छोड़ छोड़ के, जैसे 1 तारीख को लगाया, फिर दोबारा 5 को लगाना, फिर 10 को, फिर 15 को, ऐसे 5 दिन बाद। और अगर आप चाहते हो कि ये इंजेक्शन जो है लंबा समय काम करता रहे, तो इसको आप सब कट भी लगा सकते हो। अगर आप पे डिपेंड है कि आपको जल्दी मिनरल इसके पूरे करने हैं, तो आप इसको IM भी लगा सकते हो। तो स्टिमवेट इंजेक्शन इसको मैंने सब कट लगाया है, और सब कट लगाने के बाद हमने थोड़ी देर में मसाज करनी है, ताकि जो हमने टीका दिया होता है मास स्किन में वो सारा बिखर जाए और डीपू सा ना बने, इसलिए मसाज करना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। Thank you for watching.